नमस्कार, मैं अनूप दत्ता, न्यूज संघर्ष आज तक। दोस्तों, आज पूरे देश में महाअष्टमी का पर्व है, दुर्गा पूजा आज जो है सप्तमी के बाद अब अष्टमी में प्रवेश की है। और क्या है लोगों का मूड और मिजाज, माता के पूजा में कितने भक्ति में लीन है, ये तमाम चीज़ें चलिए आपको दिखाएंगे। और जो यहाँ पे पूजा पंडाल में पधारे हैं, इस वक्त में अंजलि का वक्त चल रहा है, हम माता को जो तमाम दर्शनार्थी और भक्तगण जो माता को इस वक्त में अपना अंजलि अर्पण कर रहे हैं, चलिए उसका भी नज़ारा आपको दिखाते हैं। ये बंगाली क्लब अतुल स्मृति समिति है, यहाँ हम आपको माता का दर्शन कराते हैं। देख सकते हैं कोविड के बाद में ये लोग और भक्तजनों की भीड़ भारी तादाद में इस वक्त इकट्ठा है, माता के दर्शन के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। और ये नज़ारा दर्शाता है हमारे द्वीप समूह के सांस्कृतिक जो धरोहर है, जो कल्चर है, उसकी नींवें कितनी मजबूत है। और लोग बाग तमाम लोग बिना किसी भेदभाव के माता के दर्शन के लिए पधारे हैं, आए हुए हैं यहाँ पे। दर्शनार्थी जो माता के दर्शन के लिए आए हुए हैं, ये आप देख सकते हैं अंजलि का दृश्य है। ये उमड़ती भीड़ कहीं ना कहीं दर्शा रही है हमारे अंडमान निकोबार के संस्कृति को। हम कई पंडालों का दौरा करेंगे और आपको वो दृश्य दिखाएंगे, वो मनोरम दृश्य जो कोविड के दौर से लगातार लोग बाग जो हैं अंडमान निकोबार के द्वीपवासी लगातार इंतज़ार कर रहे थे कि इस घड़ी का, जब वो खुल करके आपके संस्कृति के जो पूजा पाठ पद्धति है उसको बिल्कुल मन से खुल करके और किसी रोक टोक के वो कर पाएँ, और वही दृश्य आज नज़र आ रहा है इतने वर्षों के बाद। चलिए इस वक्त हम चलते हैं वहाँ पे भंडारे की ओर, जहाँ पे महाअष्टमी का भोग तैयार हो रहा है माता का, जो भक्तजनों को आज दिया जाएगा। और काफ़ी तादाद में जो भक्तजन दर्शनार्थी यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, पहुँचे हैं, ये देख सकते हैं तमाम दर्शनार्थी भक्तगण। हम भंडारा तक चलेंगे और देखने की कोशिश करते हैं और आपको दिखाते हैं। ये जो है महाअष्टमी का जो भोग माता का जो तैयार हो गया है, देख सकते हैं यहाँ पे। और दर्शनार्थी जो हैं भक्तगण वो भी आतुरता के साथ में इंतज़ार कर रहे हैं और माता का भोग जो लेने के लिए इस वक्त प्रतीक्षारत हैं तमाम दर्शनार्थी।
और ये जो आप देख सकते हैं यहीं से डिस्ट्रीब्यूशन जो है माता के भोग का, महाअष्टमी के जो भोग हैं उसका वितरण किया जाएगा। अब इसके साथ हम चलेंगे कोई और पंडाल, जहाँ कोशिश करेंगे वहाँ के, वहाँ का जो नज़ारा है वो आपको दिखाया जाए। चलिए, हमने आज महाअष्टमी के उपलक्ष में सबसे पहले सुबह आपको हमने दिखाया कि दुर्गा माँ जो शक्ति के प्रतीक हैं उनकी पूजा अर्चना, बंगाली क्लब, अतुल स्मृति समिति। अब महाअष्टमी के वक्त, इस अवसर पे इस वक्त हम शाम को आ पहुँचे हैं जंगली घाट पूजा पंडाल। जी हाँ, जंगली घाट पूजा पंडाल, ये तमाम दृश्य आप देख सकते हैं। ये जो यहाँ पे मेला सा लगा हुआ है, लोग स्टॉल लगाए हुए हैं रोड के साइड पे, और अभी हम चलेंगे वहाँ जहाँ पूजा पंडाल है, माता विराजमान है दुर्गा माँ, और जो शक्ति का प्रतीक है, हम वहाँ चलते हैं और दर्शन करते हैं माता का। चलिए, अब हम भीतर प्रवेश करते हैं और दर्शन करते हैं हमारे शक्ति की स्वरूप जो हैं माँ दुर्गा। दर्शनार्थी, माँ के दर्शन करने वाले भक्तजन मौजूद हैं। फिर से बता दूं, ये जंगली घाट पंडाल है, पूजा पंडाल। भक्तगण जो है लगातार पहुंच रहे हैं यहाँ पंडाल में, और आपको यहाँ का नज़ारा भी दिखाते हैं। ज़रा देख सकते हैं, ये मिठाइयों का स्टॉल। हम रोड के उस पार जाएंगे और दिखाएंगे, ये मिठाइयों का स्टॉल लगा हुआ है। यहाँ देख सकते हैं, ये जलेबियाँ तली जा रही है गर्मा गर्म, और ऐसे तमाम स्टॉल यहाँ पे लगे हुए हैं, फूलों के हैं, सजावट के। हम यहाँ चलते हैं, यहाँ दिखाते हैं, यहाँ पे भी देख सकते हैं आप मिठाइयों के जो स्टॉल लगे हुए हैं पूजा पंडाल के ठीक विपरीत दिशा में। अब हम यहाँ से आगे चलेंगे प्रेम नगर पूजा पंडाल, जहाँ हम दिखाएंगे वहाँ की पूजा अर्चना किस तरह चल रही है और वहाँ पे भक्तजनों की भीड़ किस तादाद में है। चलिए, इस वक्त में मैं आ पहुँचा हूँ प्रेम नगर दुर्गा पूजा पंडाल। जी हाँ, चलिए भीतर प्रवेश करते हैं और दर्शन करते हैं दुर्गा माँ का। यहाँ दुर्गा माँ विराजमान है, देख सकते हैं। मैंने उस वक्त भी कहा था कि कोविड के बाद में लोग, श्रद्धालु खुल करके माँ के दर्शन कर रहे हैं। रेस्ट्रिक्शन तमाम थे, और इन रेस्ट्रिक्शन जो कोविड के दौरान लगाया गया था, लगभग सारे के सारे कार्यकलाप जो ठप पड़ गए थे, अब लोग बाग खुली फिजा में सांस ले सकते हैं और अपने फेस्टिवल को इन्जॉय कर पा रहे हैं। और यही नज़ारा लगभग सारे पंडाल पे नज़र आ रहा है। यहाँ से प्रेम नगर दुर्गा पूजा पंडाल से हम चलेंगे किसी और पंडाल, जहाँ हम माता का दर्शन करेंगे और आपको
वहाँ का दृश्य भी दिखाएंगे। और ये आप देख सकते हैं पूरे रास्ते को सजाया गया है। देख सकते हैं और ठीक इसके सामने ही यहाँ के ही सपूत, इसी प्रेम नगर के जो सच्चे सपूत भारत माँ के और अंडमान निकोबार का पुत्र, जो इस द्वीप समूह का पुत्र जो हमें गर्व महसूस कराता है, वो पार्क भी मौजूद है सामने। कैप्टन शहीद असीम भट्टाचार्य पार्क जो उरी सेक्टर में मुठभेड़ के दौरान आतंकवादियों के साथ जो मुठभेड़ हुई थी उसमें शहीद हुए थे, वो ठीक पार्क भी सामने आपको जो लाइटें लगी हुई हैं वहाँ नज़र आ रहा होगा। और ठीक यहाँ पे ये पूजा पंडाल दुर्गा पूजा का, जो प्रेम नगर क्षेत्र में जो पूजा इस वक्त चल रही है वो है। चलिए हम आगे बढ़ेंगे और कोई और पंडाल में माता का दर्शन करेंगे। चलिए हम वहां से प्रेम नगर पूजा पंडाल से इस वक्त यहां पे नेताजी स्टेडियम में पहुंचे हैं और ये ऐतिहासिक नेताजी स्टेडियम वही है जहां पे नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजादी का, हिंदुस्तान का पहला तिरंगा लहराया था। और ठीक श्रद्धालु जो आप देख सकते हैं इस वक्त में पूरी तादाद में यहाँ पे हो रहे दुर्गा पंडाल के यहाँ पे दर्शनार्थी श्रद्धालु जो हैं भरी तादाद में यहाँ माता के दर्शन के लिए, शक्ति माता के दर्शन के लिए, दुर्गा माता के दर्शन के लिए आ रहे हैं। भीड़ उमड़ रही है और हम आपको वहाँ का नज़ारा भी दिखाएंगे और दर्शन कराएंगे दुर्गा माता जी का। और यही खूबसूरती है हमारे अंडमान निकोबार द्वीप समूह के यहाँ भिन्न भिन्न प्रांत के, भिन्न भिन्न भाषाओं के, भिन्न भिन्न जाति धर्म के लोग सभी एकजुटता के साथ यहाँ दर्शन करने आते हैं, शरीक होते हैं दुर्गा माता के पूजा के उपलक्ष में। और खास बात यह है कि ये मैंने कहा कि देवी माता, देवी दुर्गा माँ जो हैं ये शक्ति का चलिए हम चलते हैं दुर्गा पंडाल में और माता दुर्गा माता का दर्शन करते हैं और आपको भी उनका दर्शन करवाते हैं। चलिए हम वहाँ चलिए हम दर्शन करते हैं दुर्गा माँ का। ये पूजा पंडाल वहीं पे स्थित है, पूजा वहीं चल रही है। ठीक माता के पंडाल के ठीक पीछे सेलुलर जेल मौजूद है और उनके सामने जो हमने अभी दिखाया और आपको बताया कि नेताजी स्टेडियम ऐतिहासिक, जिसकी यहाँ की आज़ादी में एक महत्वपूर्ण भूमिका है। और ये देख सकते हैं श्रद्धालु इस वक्त में भारी तादाद में यहाँ मौजूद हैं। और ये कहीं ना कहीं एक संदेश देता है शांति का, साथ में अन्याय के खिलाफ यानी अधर्म के खिलाफ लड़ने की भी ये एक प्रतीक मानी जाती है। माता दुर्गा जिन्होंने महिषासुर का वध किया था, यानी के जो धर्म का अधर्म के ऊपर में जीत का प्रतीक मानी जाती है माता दुर्गा, शक्ति की प्रतीक मानी जाती है माता दुर्गा। ये तमाम श्रद्धालु आप देख सकते हैं, ये भारी तादाद, ये भीड़ यहाँ पे हम दिखाएंगे आपको। यहाँ पे
स्टॉलें लगी हुई हैं, दुकानें मौजूद हैं, जहां पे श्रद्धालु दर्शनार्थी माता के दर्शन के पश्चात यहां पे अपना मनपसंद भोजन यहां ग्रहण करते हैं। यह व्यवस्था भी है, तमाम स्टॉलें और ठीक यहां से नज़ारा। अभी चूंकि लाइटें नहीं जल रही है, इसलिए आपको नेताजी स्टेडियम की कुछ छोटी मोटी लाइटें दिखाई दे रही होगी। चलिए हम अब आगे बढ़ते हैं। चलिए सुबह आपको, हाँ, अष्टमी में हमने बंगाली क्लब अतुल स्मृति समिति के श्रद्धालु द्वारा दिए जा रहे हैं, अर्पण किए जा रहे हैं, पूजा अर्चना तथा श्रद्धालुओं की जो भीड़ थी वो हमने दिखाया, और अब फिर से हम वहीं पे समाप्त कर रहे हैं और शाम और रात के वक्त में दिखा रहे हैं ये श्रद्धालुओं की भीड़ महाअष्टमी में, जो आप देख सकते हैं माता के दर्शन के लिए, दुर्गा माँ के दर्शन के लिए ये भीड़ और ये कतार श्रद्धालुओं की ये लगातार जारी है। तमाम लोग यहाँ पे माता के दर्शन के लिए आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं ऐसा ही नज़ारा चारों तरफ हमारे अंडमान निकोबार द्वीप समूह के हर कोने में जहाँ पे भी दुर्गा पूजा लोग मना रहे हैं, ये पर्व मना रहे हैं, वहाँ पे ये नज़ारा देखने को मिल रहा होगा। और ये आगे हम आपको जहाँ जहाँ से हमें प्राप्त होगी हम आपको दिखाते रहेंगे। अलग अलग क्षेत्र के द्वीप समूह के जो दुर्गा पंडाल से हमें जो वीडियो हमारे पास पहुँचेगी वहाँ का भी दृश्य आपको हम दिखाएंगे। बस आज मैं यहीं पे विराम देना चाहूँगा और कल अपनी कड़ी में आपको दिखाऊंगा और कुछ बातचीत तमाम श्रद्धालुओं से की जाएगी। हम उनसे बातें करेंगे और पूछेंगे अपने सवाल, और वो सवाल क्या होगा वो आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। तब तक के लिए मैं अनुप दत्ता, न्यूज़ संघर्ष आज तक।